फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली टॉक बाय शैला। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज अपने नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की जो रेसिपी होगी, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक लंच सीरीज बना रही हूँ जिसमें वेजिटेरियन लंच सीरीज है, तो आज की जो रेसिपी है वो है पनीर मसाला। तो चलिए देखते हैं मेरे स्टाइल में पनीर मसाला की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो है पनीर मसाला। और ये देखिए, पनीर इस तरह से आपने डाइस कर लेना है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये कट चुका है पनीर। और इसके बाद जो मसाला बनाएंगे वो मसाला होगा ये अनियन चॉप, लहसुन अदरक, इसको हमने अभी ग्राइंड कर लेना है। और एक छोटी कटोरी में आपने थोड़ा सा हॉट वाटर लेना है, उसके अंदर आपने सॉल्ट डालना है, उसके अंदर हल्दी डालनी है, लाल मिर्च डालनी है, धनिया पाउडर डालना है और उसको मिक्स करना है, कर लेना है। और उसके बाद फिर हम आगे की बताते हैं कि कैसे बनाते हैं हमारे स्टाइल में पनीर मसाला। देखिए आपने कि ये पनीर किस तरह से गोल्डन कलर का बिल्कुल ही ब्यूटीफुल सा फ्राई हो चुका है। अनियन को हमने ग्राइंड कर लिया है, टोमेटो को हमने ग्राइंड कर लिया है और ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो हमने हॉट वाटर में मसाला मिलाया, मिक्स किया था, वो सारे मिक्स हो चुके हैं। और अब हम ऑयल को फ्राई कर रहे हैं, इसके बाद से ये सारे मसाले मिक्स होंगे, थोड़े से सूखे मसाले उसमें जाएंगे और आफ्टर दैट फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा पनीर मसाले का। तो जब ऑयल हॉट हो जाएगा उसके बाद हमने इसमें डालना है ज़ीरा और काली मिर्च। अभी क्रैकल होने लगा, अब इसमें जाएगा प्याज, किसी भी प्याज हो गई तो फ्राई करेंगे थोड़ी देर तक, इसका कच्चापन जब तक चला जाए तब तक आपने उसको फ्राई की गोल्डन ब्राउन ऑलमोस्ट कलर आ गया, गोल्डन कलर अनियन का। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेगी मिर्च, 1 टीस्पून आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, हमने अपने अकॉर्डिंग डाला हुआ है, कलर वाला के लिए थोड़ा सा ना ब्यूटीफुल सा कलर आ जाता है इसे, तो आप इसको डाल लें। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से, कुछ इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद हमने वो मसाला जो पहले से बना के रखा हुआ था, आपको याद है मैंने पहले बताया था, वो मसाला हमने इसमें सारे ऐड कर लेने हैं जो हॉट वाटर में हमने मिक्स किया हुआ था, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्ची, ये जा गई इसके अंदर। और फिर इसमें जाएगा टोमेटो प्यूरी, आप इसको हमने थोड़ी देर तक पकने देना है, ये इस तरह का कलर देखिए फ्रेंड्स। तो अब ये थोड़ी देर तक पकेगा और पनीर हमारा रेडी है, फ्राई हो चुका है। तो इसके बाद फिर हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, तरह का हमारे ग्रेवी का कलर हो चुका है। और इसके बाद हम अपने पनीर मसाला में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और वो है एक आपने पनीर का टुकड़ा लेना है और एक ब्रेड लेनी है और उसको आपने पेस्ट बना लेना है उसका, और उसको आप ये ऐड करेंगे, ये आपके टेस्ट को बहुत ही इन्हांस करेगा। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका ब्यूटीफुल सा कलर पनीर मसाले का चेंज हो गया ऑलमोस्ट, और देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। तो ये इस तरह का कलर हो जाएगा, थोड़े से और पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा मसाला पनीर मसाले का। और अब देखिए इसका कलर आप, बस अब इसमें हमने थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करना है। सी हाउ ब्यूटीफुल कलर, वाह। एंड इसके बाद ये हमारी फ्राई की हुई जो गोल्डन गोल्डन पनीर है, यमी वाली लग रही है मुझे तो अभी से, बहुत ही यमी अच्छा फील हो रहा है कि बहुत ही यमी होगा। तो बस ये देखिए, वाओ कलर कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल सा टेक्सचर और कलर है, और 100% श्योर कि उतना ही ब्यूटीफुल, उतना ही टेस्टी होगा ये खाने में। तो चलिए ये हमारा डन हो गया, और इसके बाद हमने थोड़ा सा इसके ऊपर क्रीम, लिटिल बिट क्रीम इसमें ऐड करनी है, ये हमने थोड़ा सा क्रीम इसके ऊपर ऐड कर लिया। और बस
ये हमारा रेडी हो चुका है पनीर मसाला। देखिए अब इसको आप नान के साथ खा सकते हैं, आप इसको चपाती के साथ खा सकते हैं, आप इसको लच्छा पराठा के साथ खा सकते हैं, जो भी चाहें आप। और घर में आप बना रहे हैं तो आप चपाती बनाइए, गरम गरम चपाती और उसके साथ राइस, प्लेन राइस, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगेगा। तो इसकी अब हम प्लेटिंग कर लेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स, देखिए ब्यूटीफुल सा और बहुत ही टेस्टी और यम्मी वाला पनीर मसाला तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपने देखा पनीर मसाला कितना ही ब्यूटीफुल कलर और टेक्सचर है, और ऑफ कोर्स टेस्ट बहुत ही यमी है। मैंने ट्राई किया है और आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है और ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो चलिए मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक नई रेसिपी होगी वेजिटेरियन लंच सीरीज की। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।